नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे RPF कॉन्स्टेबल एंसिलरी फाइनल मेरिट को लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही ऐसे ग्रुप हैं जो आप लोगों का लगभग सभी ग्रुपों का फिजिकल और जो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही महीनों से लंबे इंतज़ार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप लोगों की मेरिट कब तक आएगी। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, ग्रुप ई का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है और कट ऑफ भी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप कट ऑफ का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप जाकर कट ऑफ का भी वीडियो देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज दी गई है दोस्तों। हमारे जो वीडियो जो कटअप मनाई थी मैंने, वो लगभग उसके नतीजे से लगभग 90% सही है। तो आप जाकर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि हमारी आज बात हुई थी RPF के साइट पे, तो इन्हीं पे हम भी बात करूंगा कि क्या बताई गई। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके फाइनल मेरिट को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए, तो साथियों हम बता दें कि इनसे जो पहले जो फिजिकल जो लिया जा रहा था, तो साथियों जो RPF कॉन्स्टेबल, मैं कॉन्स्टेबल का बात कर रहा हूँ, तो जो फिजिकल के समय जो उनका जो एडमिट कार्ड जारी कर रहा था, तो उनमें एक नंबर चीज दोस्तों दी गई है। तो उस नंबर्स में दोस्तों मैंने जो रेलवे के जो ऑफिशियल जो एडमिट कार्ड है उनमें नंबर दिया जा रहा था, जैसे कि RPF एंसिलरी में नंबर नहीं दिया जा रहा था फिजिकल और ना मेरिट ना और क्या बोलते हैं ट्रेड टेस्ट में नंबर किन्हीं को नहीं दिया जा रहा था। तो इनमें से दोस्तों जो पिछली जो बाली थी उनमें फ़ोन नंबर दिए जा रहे थे। तो कुछ लड़कों से मैंने दोस्तों पता किया और नंबर को कॉल किया था आज ऑफिशियल। तो आप लोगों का दोस्तों अभी काम वर्क चल रही है, तो आप लोगों का जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो लगभग कंप्लीट कर दी गई है। हो सके आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट पब्लिसेट कब तक कर दिया जाएगा। तो वीडियो को पहले लाइक अवश्य कर दे। जैसा कि दोस्तों मैंने विभाग से जो जानकारी ली पूरी, लगभग 1.5 मिनट की बात हुई, ज़्यादा लंबी तो बात नहीं हुई साथियों। तो और उधर से कॉल काट दिया गया, तो उसने बताया कि काम लगभग 95% पूर्ण हो गया है। और मैं बता दूं ए बी और डी ग्रुपों का लगभग ये लगभग 90% ऑल औसत कंप्लीट काम पूर्ण हो गया है। अब इनकी जो है कुछ प्रोसेस लग सकती है रिजल्ट में, लेकिन रिजल्ट इनकी जल्द वेबसाइट पे प्रकाशित कर दी जाएगी। और जैसी रिजल्ट आएगी दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो और क्या बात हुई दोस्तों, मैंने डेट पूछा तो डेट नहीं बताई जा रही थी ऑफिशियल विभाग के अनुसार। तो मैं बता दूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है आज लगभग 22 नवंबर है, 22 नवंबर आज दिनांक गुरुवार दिन है। तो दोस्तों मैंने बता दूं आप लोगों का रिजल्ट 10 दिसंबर तक और 25 नवंबर के बाद से 15 दिसंबर तक। आप ज़्यादा हम डेट ले रहे हैं, आज 22 हो गया, 25 नवंबर के बाद से और 15 दिसंबर से पहले ए बी और डी ग्रुपों का रिजल्ट कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने फ़ोन में बात किया, उनकी जो सर है उनसे मैं पता लगा, वो खुल के तो मुझे बताए नहीं, लेकिन मैं अनुमानित आपको एक डेट बताया हूँ। तो ये दोस्तों लगभग आने की पूरी संभावना है 100%। तो कोई ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से एक अनुज्ञप्ति पे एक आप लोगों के लिए डेट दिया हूँ, जो आप लोगों का, जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो बताया था तो उनके अनुसार फाइनल कटअप नहीं आई है मेरी डेट के अनुसार। तो ये फिर से एक डेट लिया हूँ दोस्तों, 25 नवंबर के बाद से और 15 दिसंबर के पहले ए बी डी ग्रुपों का कभी भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और उसके 7 दिन बाद कभी भी आपका कटअप मार्क भी दिया जाएगा सभी ग्रुप वाइज। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी हमारी बातों को, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने
चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप कटअप का वीडियो नहीं देखे हैं तो कटअप का वीडियो अवश्य देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और RBF से कुछ भी नोटिस आ रही है तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।